Praise the Lord, God's morning again, एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए, ये प्रभु की सुबह है। आज हम पढ़ेंगे 24 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय। 10 मिनट का ये प्रोग्राम होता है, 10 से 15 मिनट कभी कभी, जैसा डिपेंड करता है सिचुएशन पर आओ गहराई से देखें। आप बाइबल पढ़ते हैं, रोज एक चैप्टर पढ़िए, प्रभु की स्तुति हो। वेल, ज़्यादा पढ़िए लेकिन मिनिमम एक अध्याय पढ़िए, दैट्स व्हाट आई एम हियर विद यू। फिर 24 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइल के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञाएं मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। वाचा एंड प्रॉमिस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वाचा बांधे, जो मन में माने, जो जैसा ठाने वो वैसा ही करे, यानी कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ ना की ना में हो, ऑल सॉल, सीधी बातों में। अगर हम उस पर ना ध्यान दें और वैसा ना करें तो ये कैसा होगा? ये वैसा होगा जैसे कि हम बुरे होकर भी बुरी वस्तुओं को भली वस्तुएं देना चाहते हैं अपने बच्चों को, परंतु परमेश्वर तो भला है, वो भली ही वस्तुएं देता है। हमारे बुरे व्यवहार के कारण भी सोचो कि कैसी परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन परमेश्वर हमें स्पष्ट करता है कि तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी परिस्थितियाँ कैसी। बुक ऑफ निर्गमन जो है वो बहुत क्लियर है इन बातों में, और बहुत सारी बातों को स्पष्ट रीति से परमेश्वर की ओर से यहाँ पर लॉज आए हैं। इन लॉज में कई बार अमेंडमेंट भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर 9 पद पढ़ूंगा। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इसराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इसराइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। यहाँ पर इन लोगों ने जो है परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है, परमेश्वर को नहीं देखा है। Many time people misunderstood these words. इन वचनों को वो गलत समझ बैठते हैं and they begin to speak. इसीलिए मैं कहता हूँ कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जानकारी लेना ज़रूरी है, पढ़ना सीखना ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बारे में कई बार बात करता हूँ तो कुछ लोगों को लगता होगा कि I'm talking about the education. See, I'm not talking about education. कितने पढ़े लिखे हैं क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता। प्रभु ने बहुतों को बिल्कुल ज़ीरो से चुना, बाइबल में एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आई एम रेडी फॉर दिस, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट माई डियर। वर्स 12, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर तू मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। मैं तुझे कुछ चीज़ें दूंगा, मैं पत्थर पर लिखी हुई पटिया दूंगा, जो है पत्थर की पटिया जिस पर वचन, जिस पर जो आज्ञाएँ लिखी होगी मैं तुझे दूंगा। वी हैव स्पेशल मीटिंग टाइम, एक अलग से मीटिंग टाइम है, और मूसा को परमेश्वर ने बुला लिया। उसके बाद तब मूसा यीशु नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो, और सुनो हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। ये आज्ञा थी मूसा जब लेने के लिए वहाँ पर गया। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो 20वें अध्याय में परमेश्वर का वचन स्पष्ट बात कर रहा है कि तू मूर्ति खोद कर ना बनाना, सोने चांदी की तू ये सब ना बनाना। आगे के अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यही सब हरकतें की लोगों ने, परमेश्वर को रिज दिलाया। सोचो कितना अजीब और मूर्खतापन ये करते हैं, जब आप देख रहे हो, जब आप सब कुछ जान रहे हो लेकिन उसके बाद भी ये कर रहे हो,
इट इज क्वाइट नॉनसेंस थिंग। मैं जानता हूँ ड्यूरेशंस आर देयर, मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है। ये जो घटना घटी उसमें एक ड्यूरेशन है, कुछ साल का समय है, लेकिन फिर भी लोगों ने तो वही व्यवहार किया। वेल, पढ़ेंगे 15 पद से लिखा है, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर छह दिन तक छाया रहा। और सातवें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात और रहा। ये 40 डेज एंड 40 नाइट की बात क्या है? देर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड निम्ब्रोलॉजी, नंबर्स के बारे में बात की गई है। आपको याद होगा यरीहो की दीवार प्रभु ने जो है गिराई है, ये कोई युद्ध से नहीं, कोई सेंध से नहीं, लेकिन जय जयकार के साथ, यलकार के साथ। और ये सिर्फ यहोवा के नाम पे थी। 7 दिन 7 चक्कर 7 बार तुरई फूकना, दैट्स ऑल। परमेश्वर के पास प्लान है। एंड ऑफ कोर्स वी फाइंड मेनी टाइम्स द नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट हियर, माइट बी, पर न्यू टेस्टमेंट आर क्वाइटली डिफरेंट इस मामले में। जब ग्रेस है हमारे पास, देन वाई वी बिलीविंग ऑन नंबर्स एंड ऑल। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। अगले सुबह हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, 25 अध्याय। हमें प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।